हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे जन्म की बुटीक में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे आप तीज में पहन सकती हैं बनाकर, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप इसको तीज में पहनेंगे चाहे कोई भी त्यौहार में बना के अपने ब्लाउज में सजा के पहन सकती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक पेपर चाहिए। हम उसी जो हमारा जो पेपर है हम पहले इस पर कटिंग करेंगे, फिर इसकी कटिंग को लेकर हम जो हमारा कपड़ा है उस पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसे पेपर चाहिए। ये मैंने अखबार रख लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो 12.5 तैयार आएगी, तो मैंने इसकी जो लंबाई है ये मैंने 13.5 रख लिया है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मेरी 17.5 है, तो मैंने 5 इंच ज़्यादा ले लिया है, 22.5 इंच रख दिया मैंने इसकी चौड़ाई। जो इसकी चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई है ये मैंने 22.5 इंच रखा है, और जो ये वाली लंबाई है ये 13.5 इंच रखा है, क्योंकि मुझे 12.5 तैयार चाहिए ब्लाउज। तो जो लंबाई है वो 1 इंच ही ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा इंच ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें डिज़ाइन बनाना है तो उसमें बस खाली 1 इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, लंबाई चौड़ाई लेने के बाद हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा जो वही प्रोसेस जो हमारी कटिंग होती है ब्लाउज़ की, तीरा लेंगे फिर उसका पाप खुल लेंगे। तो हम जो तीरा लेंगे वो हमारा तीरा आएगा 5 इंच, जो हमारा जो पाखुर आएगा वो होगा 5.5 इंच। यहाँ से जो हमारा जो चेस्ट है वो है 17.5, तो उसके हिसाब से हम लोग 8.5 ले लेंगे। इसके बाद ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान, मैं सीधे इसके निशान लगा दूँगी। इसके बाद हम लोग जो है ये बाजू का जो शेप बनाते हैं ये शेप बना देंगे, ये पीछे वाला शेप बनेगा ये शेप बना देंगे। उसके बाद जो हमारे गले का जो डिज़ाइन बनाना है इसके लिए हम लोग लेंगे, ये 5 इंच लिया था मैंने, तो मेरे गले का डिज़ाइन जो कटिंग करूँगी ये मैं 2 इंच लूँगी, ये 2 इंच ले लूँगी मैं। ये देखिए ऐसे है, ये 2 इंच ले लिया है मैंने। अब हमारे जो नीचे वाले जो पार्ट हैं, हमको जो ब्लाउज़ का जो पार्ट होता है जो नीचे का जो हिस्सा होता है जो पीछे वाला भाग, हमको जितना तैयार चाहिए वो चीज़, 3 इंच चाहिए तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच चाहिए तो हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मैं लगा रही हूँ 3 इंच पर निशान। अब यहाँ 3 इंच पर निशान लगाने के बाद अगर आपको गला ब्रॉड में चाहिए तो आप थोड़ा ब्रॉड में निशान लगाएंगे, और फिर निशान को गोलाई को ले जाके इधर मिला देंगे। और अगर आपको ब्रॉड में नहीं पहनना है, थोड़ा कम ब्रॉड में चाहिए, तो यहाँ से गोलाई के निशान लगा देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने ये जो निशान लगाया है इसके बाद हमारा जो पेपर हमने जो फोल्ड किया था उसको हम लोग खोल लेंगे। ये पेपर हमारा खुल गया है, ये नीचे जो निशान लगा था ये वाला जो निशान लगा था, इसे जो हमारा ये पेपर था जो हमारा बीच का ये पार्टीशन था ये वाला, इससे हम लोग 4 इंच ज़्यादा लेंगे, 4 इंच पर निशान लगा देंगे। और जो हमारे जो नीचे का पेपर का जो पार्ट है हम इसको इससे बिल्कुल नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसको बिल्कुल नीचे मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे होएगी दोस्तों मैं बताती हूँ आपको। पहले हम लोग जी जो बाजू का ये शेप है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे जो गला है अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आपको जितना गला चाहिए, आप ब्रॉड में चाहिए ब्रॉड में कीजिए, ब्रॉड में नहीं पसंद है तो आप कम ब्रॉड में कीजिए। जहाँ तक निशान है वहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो अलग है पार्ट ये वेस्ट है तो हटा देंगे। ये वाला पार्ट है इसको ही हम लोग कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब कपड़े की कटिंग करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस कपड़े को मैं खोल देती हूँ। जितना हमें चाहिए कपड़ा उतना हम कपड़ा ले लेंगे। हम रख के देखेंगे कि पूरा कपड़ा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और कपड़ा हम लोग बढ़ा देंगे।
इसकी कटिंग कर देंगे, निशान लगा देंगे। हमें इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रखना है, जितना जितना था सब उतना ही रखना है। हमने जो लेना था एक्स्ट्रा वो ले लिया है, एक्स्ट्रा निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। निशान यह है वी वाला पार्ट है गुड़ा वाइस के लिए, हम यहाँ दिखा देंगे। ये वाले पार्ट्स हैं, ये सब आगे का डिजाइन और बाजू वगैरह बनेगा। ये हो गया हमारा पीछे का डिजाइन, डबल है और ये सूती है। अगर आप उसको जो हमारा जो साड़ी वाला ब्लाउज होता है उस पर जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है बनाना होगा, तो अस्तर और साड़ी वाला जो कपड़ा है दोनों साथ में कटिंग हो जाएगा। तो चलिए इसका डिज़ाइन बता दूँ मैं आपको।